नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इस दिन कई लोग कन्याओं को भोजन कराकर अपना व्रत खोलते हैं। इस बार महानवमी 7 अक्टूबर सोमवार को विधि विधान से मनाई गई। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी को मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की गई। इसके साथ छोटी छोटी माता स्वरूप कन्याओं के पाद पूजन कर उनको भोजन करवाया गया। जिनसी क्षेत्र में भी विगत 12 सालों की तरह नवमी तक पर मां की आराधना के साथ कन्याओं के पैर पूजे गए और उन्हें भोजन करवा कर भेंट प्रदान की गई। इस दौरान कन्याओं ने मां के समक्ष गरबा कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी की उपासना से इंसान को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद नवमी पर विधान के साथ मनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। शारदीय नवरात्र के अवसर पर हम लोग आज कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और कन्या शक्ति का हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि समाज में जो हमारी कन्याएं हैं वो आगे बढ़े, पढ़े और देश का नाम रोशन करें। लगभग 400 कन्याओं का प्रोग्राम है ये हम लोग पिछले 12 वर्षों से कर रहे हैं।